उमेशपाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली जेल में अशरफ से मिलने आए असद समेत शूटरों का वीडियो वायरल हो रहा है। 11 फरवरी को हुई इस मुलाकात का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बम्बाज, असद, उस्मान और गुलाम के चेहरे को साफ तौर पर पहचाना जा सकता है। बरेली जेल में पूर्वांचल के बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद से मिलने के लिए 11 फरवरी को असद, गुड्डू, गुलाम, उस्मान समेत कई आरोपी आए थे। ये लोग जब जेल के अंदर मिलने जा रहे थे तब की सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पहले एक पुलिस वाला गेट से जेल के अंदर घुसा और उसके पीछे असद, गुड्डू, गुलाम, उस्मान समेत कई लोग सीधे जेल के अंदर चले गए। इस दौरान गेट पर एक और पुलिसकर्मी खड़ा था लेकिन उसने भी इतने लोगों को एक साथ अंदर जाते हुए रोका नहीं। अब अशरफ और आरोपियों की मुलाकात की सीसीटीवी पर तीन दावे किए जा रहे हैं। पहला, ये मुलाकात 2 घंटे तक चली। दावा किया जा रहा है कि अशरफ से असद और दूसरे आरोपियों की मुलाकात 2 घंटे तक हुई थी। मुलाकात के लिए अतीक के बेटे असद की आईडी का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, जेल में कोई एंट्री दर्ज नहीं हुई, सीधे मुलाकात करवा दी गई। वीडियो जेल के मेन एंट्री गेट का बताया जा रहा है। 2 मिनट 10 सेकंड के इस वीडियो में जेल के कांस्टेबल सामान को रखते हुए नजर आ रहे हैं। गेट से 9 शूटर्स अचानक दाखिल होते हैं। उनकी मुलाकात रजिस्टर पर एंट्री नहीं कराई जाती है, ना ही हाथ पर जेल मुहर लगाई जाती है। वहीं एक तीसरा दावा ये भी किया जा रहा है कि अशरफ से जेल में उसके साले सद्दाम, भतीजे असद, लल्ला गद्दी, उमेश पाल हत्याकांड का शूटर गुलाम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान और गुड्डू मुस्लिम मिलने पहुंचे थे। इनमें लल्ला गद्दी को छोड़कर बाकी उमेश मर्डर के आरोपी हैं। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान और असद समेत अन्य लोगों ने जेल में अशरफ अहमद से मुलाकात की और उमेश पाल को मारने का प्लान तैयार किया। इसके बाद अतीक के गुर्गों ने 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके 2 गनरों को गोलियों और बम से उड़ा दिया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ की जांच में अतीक अहमद के बेटे असद का आधार कार्ड पर्ची के साथ मिला था। 7-8 लोग 11 फरवरी को दोपहर 1:22 पर जेल आए थे और 3:14 पर वे वहां से गए। ये लोग लगभग 2.25 घंटे जेल में ही रहे।